तो और भाई लोग क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सभी के हाल चाल एकदम बढ़िया हैं। फिलहाल मेरे हाल चाल वो भी एकदम बढ़िया ही चल रहे हैं। वैसे आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 7 के फुल रिव्यू के ऊपर। एक्चुअली मेरे पास आज कोई टॉपिक नहीं था वीडियो शूट करने का, सो मैंने सोचा कि मेरे को 40 से 45 दिन तो वैसे भी हो गए हैं Redmi Note 7 Pro को यूज़ करते हुए, सो मैं आज इसका फुल रिव्यू आपको दे सकता हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि मैं इसको एकदम प्यार से रखता हूँ, एकदम धीरे से यूज़ करता हूँ, एकदम आराम से यूज़ करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जैसा रफली लोग यूज़ करते हैं आम लाइफ में, वैसे ही मैं इसको यूज़ करता हूँ। और मैंने इसमें जो प्रॉब्लम देखी है, जो अच्छाइयाँ देखी है, जो भी मैंने देखा, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी डिस्प्ले की तरफ से। देखिए डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, कोई दोहराई नहीं है कि डिस्प्ले अच्छी नहीं है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पंची कलर्स हैं और काफ़ी अगर आप धूप में भी यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी अच्छे कलर्स देखने को मिल जाएंगे, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। और गोरिल्ला ग्लास टाइप का प्रोटेक्शन स्क्रीन में डिस्प्ले के साइड लगाया गया, तो काफ़ी एक अच्छी बात है, आपको एक अलग से प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। अब कुछ लोग मुझसे पूछेंगे गोरिल्ला ग्लास 5 है मतलब क्या गिर जाएगा टूटेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप गिरेगा टूटेगा, डेफिनेटली टूटेगा, कोई भी ग्लास टूटता ही है, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपका इतनी बोल सकता हूँ 3-4 फीट हाइट से गिरता है, जेब में से निकल के गिर जाता कहीं बैठे हैं आप, तो डेफिनेटली नहीं टूटेगा, कोई इशू नहीं है। बट आप फिर भी कवर लगा के रखिए, टेम्पर लगा के रखिए, वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ पीछे की साइड से, तो पीछे की बैक साइड में आपको एक कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है, बट एक कैमरा पंप का इशू है। कैमरा पंप बहुत आगे निकला हुआ है, अगर हम चाहे कोई सा भी कवर लगा लें लेकिन कैमरा पंप नहीं चुपता, इसकी वजह से कैमरा के ऊपर स्क्रैचेस बहुत सारे आ जाते हैं। बट इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसके प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। जिस तरह से आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने स्किन लगा के रखी है और उसके ऊपर कैमरा पंप के ऊपर भी स्किन लगी है, तो स्क्रैचेस का मुझे अब डर कोई नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई कवर नहीं मिल पा रहा था कि भाई मैं एकदम कैमरा पंप को छुपा पाऊँ। तो उसमें सोचा स्किन लगा लेते हैं, स्किन से कैमरा पंप भी एकदम प्रोटेक्शन मिल जाएगा और काफी अच्छा लुक भी हमें देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैंने कैमरा की स्क्रीन लगा रखी है। बाकी अगर आपको इस तरह की स्क्रीन लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं अगर आगे बात करता हूं और कुछ फीचर्स के बारे में या फिर और कुछ चीजें के बारे में, तो पीछे की साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास टाइप प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो पीछे की साइड से भी आपको इतना कोई खतरा नहीं है। बट फिर स्टिल वही कहूंगा मैं कि आप बैक कवर लगा के रखिए, क्या पता कब टूट जाए और आपका कब खर्चा नया बन जाए, तो कवर लगा के रखिए, वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। वहीं अगर नीचे की साइड की बात करता हूं तो आपको एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि रेडमी की सीरीज में पहली बार आया है और काफी अच्छी बात है Redmi टाइप सी पोर्ट लेके आ रहा है। हालांकि Realme 3 Pro में टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलता है, लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं, बट Xiaomi ने ऐसा नहीं किया, टाइप सी पोर्ट दिया है और क्विक चार्ज 4.0 प्लस दिया है। कुछ लोग अपने फुल रिव्यू में बोलते हैं कि क्विक चार्ज 4.0 है, लेकिन नहीं, क्विक चार्ज 4.0 प्लस सपोर्ट करता है डिवाइस आपको और इसमें इनेबल भी है। अगर आप क्विक चार्ज 4.0 प्लस वाला डिवाइस अगर चार्जर अगर बाय करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें सपोर्ट करेगा, कोई इसमें दोहराई नहीं है। तो खैर डिब्बे में तो फास्ट चार्जर आता है नहीं और क्विक चार्ज 4.0 कोई अवेलेबल है नहीं इंडिया में, तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा आने वाले 1-2 महीनों का, उसके बाद अवेलेबल जैसे होता है मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा किस तरह से वर्क करता है। बाकी आप कोई भी क्विक चार्ज 3.0 वगैरह बाय कर सकते हैं अगर आपको फास्ट की जरूरत है, तो mi.com पे अवेलेबल हो ही जाता है। वहीं अगर बात करूं साइड की, तो एक स्पीकर ग्रिल है और एक माइक्रोफोन ग्रिल है, तो माइक्रोफोन की कोई इशू हमें देखने को नहीं मिलता है। स्पीकर की जहां तक बात करता हूं, तो स्पीकर की वॉल्यूम इतनी लाउड भी नहीं है और उतनी स्लो भी नहीं है, मीडियम साइज की, मतलब हालांकि थोड़ी लाउड होनी चाहिए थी बट थोड़ी ठीक ठाक है। अगर आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में है तो फिर आपको आपको वाइब्रेशन से ही आपके मोबाइल का पता चल पाएगा। बाकी अगर आप सोचते हैं कि रिंगटोन से पता चल जाए तो वैसा तो आपको नहीं होगा, लेकिन हाँ वाइब्रेशन से पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसी का कॉल आ रहा है या किसी का मैसेज आया है, क्योंकि इसके थोड़ी सी लो है साउंड। बाकी अपडेट के जरिए इसको भी फिक्स किया जा सकता है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। वहीं अगर आगे बात करता हूँ हेडफोन जैक की, ऊपर की साइड हम बात कर लेते हैं, तो हेडफोन जैक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाउड साउंड है, इतना लाउड साउंड है हालांकि वो आपके ईयरफोन या फिर हेडफोन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना सपोर्ट करता है, कितना लाउड बजता है, वो कितना चलता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे पास बेसिक सी ईयरफोन है, उसमें मैं पबजी खेलता हूँ तो मुझे एनिमी की आवाज़ जो होती है काफ़ी दूर तक आती है। बाकी पबजी की बात नहीं करते, अगर आप कोई साउंड कोई मूवी देख रहे हैं तो काफ़ी एक अच्छा साउंड है, आपको थोड़ी सी लो ही करनी पड़ेगी, आपके कानों में इतनी आवाज़ चुभेगी, इतनी हाई है इसका, तो आपको थोड़ा सा लो करना पड़ेगा। तो मुझे पर्सनली काफ़ी एक अच्छा लगा इसका हेडफोन जैक। वहीं अगर बात करता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो आता है IR ब्लास्टर ऊपर साइड, IR ब्लास्टर काफ़ी अच्छी बात है, बाकी कंपनियां नहीं देती है। Xiaomi अपना चाहे छोटा छोटा मोबाइल हो, कितना भी Redmi 6 हो, Redmi 5 हो, कोई भी हो, सब में एक IR ब्लास्टर तो देता ही है, इसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करता Xiaomi, तो काफ़ी अच्छी बात है। और आज के टाइम में कम से कम IR ब्लास्टर होना ज़रूरी भी है। आप मुझे पूछो, आप पूछोगे यार IR ब्लास्टर की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है, हम तो रिमोट टीवी का रिमोट ऐसे यूज़ कर लेंगे। भैया अगर नाइट के टाइम अगर आपका कोई रिमोट खराब हो जाता है, फिर आपका रिमोट की जो बैटरी होती है वो डेड हो जाती है, तो फिर आप क्या करोगे? आपको मोबाइल का एक IR ब्लास्टर है तो काफ़ी अच्छी बात होती है, आप यूज़ कर सकते हैं उसके ज़रिए। और हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो मज़े लेने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे किसी घर में चले गए और किसी ने टीवी, किसी गेस्ट बन के अपन किसी घर
में गए और उसके बाद टीवी चालू है, टीवी बंद कर दी हमने, वो सोचता है टीवी बंद कैसे हो गई, बेइज्जती हो गई। तो ऐसे मज़े लेने के लिए भी काम में आ जाता है, तो एक अच्छी बात है जो मैंने आपको बता दी। अगले बात करते हैं हम कैमरा की, तो कैमरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो कैमरा के बारे में बहुत सारे इश्यूज़ भी आए थे, 48 मेगापिक्सल का है या नहीं है। देखिए आपको बता दूं मैं, एक्चुअली ये 48 मेगापिक्सल का सेंसर इसमें लगाया गया है, इसलिए इसका कैमरा बम्प आगे है और थोड़ा सा बड़ा सेंसर इसलिए कैमरा बम्प आगे निकाला गया है। बड़ा इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि 48 मेगापिक्सल का है, लेकिन हाँ एक्चुअली 48 मेगापिक्सल में ही फोटोज़ क्लिक करता है, ऐसी बात नहीं पिक्सल बिलिंग का वैसा कोई सिस्टम नहीं है, एक्चुअली है इसमें। और मैंने फोटो सैंपल निकाले, मैं आज तक फोटोज़ क्लिक करता आया हूँ, काफ़ी अच्छी है। हालांकि अगर आप वीडियो शूट करने जाएंगे रियर कैमरा से तो थोड़ा सा आपको लैग देखने को मिलेगा, बट वो अपडेट के जरिए फिक्स किया जा सकता है, उसमें भी कोई दोराई नहीं है। तो वो एक दिक्कत वाली बात है भाई, कैमरा डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है, वो पोर्ट्रेट मोड एज डिटेक्शन तो काफ़ी अच्छा है। मैं बोल सकता हूँ कि 15,000 रुपये की रेट के अंदर या फिर बोल सकते हैं 20,000 रुपये के अंदर अंदर कोई कैमरा बेस्ट है तो वो Redmi Note 7 Pro का है। Realme 3 Pro का भी कैमरा बेस्ट है, इसमें कोई दोराई नहीं है, बट उसका नाइट में थोड़ा सा दिक्कत कर देता है, अगर नाइट में दिक्कत होती है, बट नाइट में Redmi Note 7 Pro का काफ़ी अच्छा, और नाइट मोड तो पूछो ही मत, मतलब एकदम काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर बात करता हूँ फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा एवरेज सा है, कोई ज़्यादा खास बढ़िया नहीं है। 13 मेगापिक्सल का आपको मिलता है, लेकिन एवरेज सा कोई ज़्यादा खास बढ़िया नहीं है। ये बोल सकता हूँ कि आप सेल्फीज़ इतनी खास मतलब लेने के शौक है आप, मतलब सेल्फी लेना है आपको, तो फिर Redmi Note 7 Pro मत लीजिए, फिर आपको दूसरा स्मार्टफोन देखिए। Redmi Note 7 Pro सेल्फीज़ के लिए नहीं बना है, तो एक बात, बाकी आप नॉर्मली सेल्फ फुल HD के अंदर फ्रंट कैमरा से भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं, काफ़ी एक अच्छी बात है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेसर की, तो इसमें स्नैपड्रैगन का 675 यानी 675 वाला प्रोसेसर लगाया गया है, जो कि काफ़ी न्यूली प्रोसेसर है, 11 नैनोमीटर पे बना हुआ प्रोसेसर है। मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, कोई हीटिंग इशू है, हीटिंग इशू, बट अगर आप धूप में यूज़ करते हैं थोड़ा ज़्यादा हीट हो जाता है। अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग में मुझे कोई भी आज तक हीट देखने को नहीं मिला है। मैं कभी कभी क्या करता हूँ, आपने खुद ने भी देखा होगा मेरे चैनल के ऊपर, मैं Redmi Note 7 Pro में गेम खेलता रहता हूँ, पबजी उसके साथ लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ 2-2 घंटे तक, बट स्टिल कोई मुझे ऐसा लैग देखने को नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आपने देखा होगा कुछ, मैंने एक महीने पहले इसकी लाइव स्ट्रीम की थी, एक महीना नहीं शायद 25 दिनों पहले मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, उसमें 2 घंटे तक मैंने कंटिन्यू Redmi Note 7 Pro में पबजी खेला था और उसके अलावा लाइव स्ट्रीम भी चल रही थी, तो मुझे कोई ऐसा लैग देखने को नहीं मिला, कुछ भी देखने को नहीं मिला, कोई हीटिंग देखने को नहीं मिला। बट हाँ स्टिल अगर मैं बोलूँगा चार्जिंग के टाइम अगर आप इसको देखते हैं तो थोड़ा हीट हो जाता है मोबाइल, लेकिन वो अपडेट के जरिए फिक्स हो सकता है। अब क्यों हीट होता है, मैंने इसको रिपोर्ट भी किया है मी कम्युनिटी के ऊपर, बट देखते हैं इसका रिप्लाई क्या आता है, तो आपके साथ जरूर से शेयर कर दूंगा मैं। बाकी हीटिंग का इशू नॉर्मली नहीं है, चार्जिंग के टाइम थोड़ा सा हीट जरूर से हो जाता है। बाकी अगर आप कैमरा की बात करते हैं, तो कैमरा अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो थोड़ा सा हीट होता है। हाँ अगर मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता रहता हूँ, अगर मैं फेस कैम करता हूँ, तब थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है कि मोबाइल एकदम बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और मेरे को लाइव स्ट्रीम बंद करनी पड़ जाती है। मैंने कुछ ट्राई किया था बट लाइव स्ट्रीम बंद करनी पड़ी, तो दिक्कतें आ रही है, बट अपडेट के जरिए फिक्स हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ गेमिंग की, तो गेमिंग एकदम काफ़ी अच्छा है, HD ग्राफिक्स पे खेल सकते हैं पबजी को आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में उसको HDR उस पर कर देना चाहिए, बट देखते हैं कब तक Xiaomi इसको इनेबल करता है। बाकी और कुछ बताने लायक है नहीं इस डिवाइस में, क्योंकि बहुत अच्छा पैकेज है। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ, मैं देखिए ऐसे नहीं बोल रहा हूँ Xiaomi का फैन इसलिए बोल रहा हूँ, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस मोबाइल के बारे में, तो डेफिनेटली काफ़ी एक अच्छा पैकेज है, 14,000 रुपये की रेंज में काफ़ी अच्छा है, कोई इशू नहीं है। अगर आप परचेज करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी। हालांकि इसमें न्यूली प्रोसेसर है, तो अभी सभी ऐप्स जो होते हैं वो ऑप्टिमाइज नहीं है, बट वो अपडेट के जरिए धीरे धीरे करके ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, तो अगर आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे तो आप इसके साथ यूज टू हो जाएंगे। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, और मैं बोलता हूँ इसमें काफ़ी अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं डॉट नॉच इसका इशू आता है, लेकिन डॉट नॉच छोटे से नॉच में क्या इशू आएगा, हाँ नोटिफिकेशन का इशू आता है, बट वो एक Xiaomi का एक नया अपडेट आ रहा है, उसमें एक नोटिफिकेशन का इशू भी सॉल्व बहुत जल्दी हो जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी, बट वो देखते कब तक सॉल्व करता है Xiaomi, वो आगे देखने वाली बात होगी। तो यार बस यही था इस मोबाइल में बताने के लिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना बोले, पसीने पसीने हो गए मेरा, मतलब गर्मी में शूट कर रहा हूँ मैं, राजस्थान की गर्मी मतलब पूछो मत। तो फिलहाल यार इस वीडियो में इतना, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना ना बोले, वीडियो को शेयर करना ना बोले, मार्जिन सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना बोले। तो मैं मिलता हूँ अगली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।